नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। एमपी राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश जारी, तो वही टिहरी के घनसाली में बालगंगा नदी में गिरी दुकानें। आपको बता दें, बाढ़ से यमुनोत्री के गर्म कुंडों में मलबा भरा। राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का किया गया ऐलान। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की इसकी घोषणा। राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने अलॉट किया नया बंगला। दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित राहुल का आशियाना हो सकता है। बीते दिन राहुल देखने पहुंचे नया बंगला। यूपी में सपा की बड़ी बैठक कल। बैठक में सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती है मोहर। नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सरकार पर लगाए आरोप, कहा मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने को नहीं दिया गया मौका। सीएम ने बैठक का किया बहिष्कार। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर। मुजफ्फरनगर में एटीएस की गई तैनाती। लखनऊ से पहुंचे कमांडो। यूपी में गोल्डी अशोक समेत 16 कंपनियों के खाने के मसालों की बिक्री पर लगाई गई रोक। जांच में मिला पेस्टिसाइड और कीटनाशक की मात्रा अधिक। वही इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोना 5,149 रुपए पर हुआ, तो वही आईफोन की कीमत भी 6,000 रुपए तक घटी। तो ये थे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कुर्सी पद की लड़ाई छिड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा प्रदेश संदेश यात्रा का ऐलान किया था। शैलजा ने सोशल मीडिया पर 27 जुलाई से इस यात्रा को शुरू करने का पोस्टर भी शेयर किया था। आपको बता दें कि शैलजा के इस पोस्टर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और प्रदेश इंचार्ज दीपक बावरिया की फोटो गायब दिखी थी। वहीं बकायदा जिसे कुमारी शैलजा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था। अब यह बात कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने इसको लेकर कुमारी शैलजा से बात की। इसके बाद अब शैलजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का फोटो पोस्टर पर लगा दिया है। बताते चले कि शैलजा ने 25 जुलाई को अपने एक्स अकाउंट पर यह पोस्टर जारी किया था। इतना ही नहीं, हुड्डा और उदयवान के फोटो को शैलजा कांग्रेस हाईकमान के फोटो के साथ जगह दी है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद राहुल गांधी ने यहां के 38 नेताओं से मीटिंग की थी, जिसमें राहुल ने कहा था गुटबाजी किसी भी हाल में सहन नहीं की जाएगी, सभी नेता यूनिट बनाए, सार्वजनिक स्थानों पर खासकर मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना दे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने 6 जिलाध्यक्षों को हटाकर उनके स्थान पर नई नियुक्तियां कर दी हैं। दरअसल हटाए गए जिलाध्यक्षों में अधिकांश के खिलाफ पार्टी के सांसदों और उम्मीदवारों की ओर से शिकायत दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि सांसदों और उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद इन जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपी थी। इन जिलाध्यक्षों पर भीतरघात करने, पार्टी फंड को खुर्द बुर्द करके और काम ना करने जैसे आरोप लगे थे। वहीं इसके अलावा कुछ जिलाध्यक्षों को इस कारण हटाया गया क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। वे पूरे जिले को संभालने के बजाय अपने चुनाव पर ध्यान देना चाहते थे। इसी कारण भाजपा ने फेरबदल किया है। आपको ये भी बता दें कि भाजपा ने हिसार, जिंद, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और केथल के जिलाध्यक्ष बदले हैं। पार्टी का किसी तरह का नुकसान न हो, इसीलिए हटाए गए सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्यकारिणी में एडजस्ट किया गया है, मगर इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में हर साल 5,000 भर्तियां होती थी, लेकिन अग्निवीर के आने के बाद सिर्फ 225 भर्तियां हुई हैं। अग्निवीर से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी के यादव धर्मशाला में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक वहां मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज ऐसी भीषण गर्मी में आए लोगों का पसीना व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
वे 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन ये आय दुगनी तो नहीं हुई बल्कि लागत कई गुना बढ़ गई है। हमारे युवाओं को ठेके पर लेकर इसराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल किया गया है। हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे और हमारी सरकार आने पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था में नंबर वन था, लेकिन आज बेरोजगारी बेकारी में नंबर वन है। हरियाणा सरकार राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का विचार कर रही है। दरअसल कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की संभावना तलाश के लिए 9 सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 8 आईएएस अधिकारी हैं। शुक्रवार को इन आईएएस अधिकारियों की कमेटी की पहली बैठक हुई है, जिसमें सभी विभागों के कार्यरत कच्चे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा तलब कर ऐसी पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी है। बताते चले कि फिलहाल 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के कार्य कर रहे कच्चे कर्मचारी के बारे में ब्यौरा इकट्ठा कर इस पर मंथन आरंभ कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने 9 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है, जिसमें कई अधिकारी बतौर सदस्य शामिल किए गए। अधिकारियों की कमेटी को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के तमाम विकल्पों पर जल्द ही रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस रिपोर्ट को 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी रखा जा सकता है। हरियाणा में आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल जिला शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं इस बीच पानीपत और झज्जर में सुबह बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। यहां दिन भर बादलबाई छाई रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।